रायपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजा है। हमने संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को आरक्षण देकर युगांतकारी विकास किया है। हम विघटनकारी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसे विकसित करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या 6G। अब आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आप दुनिया के सबसे अच्छे हिस्से में हैं। आपको केवल फ्रंट फुट पर खेलना होगा। यह बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के अवसर पर कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, आज देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का शुभ अवसर मिला है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। युवाओं के लिए देश में आगे बढ़ने का यह बेहतरीन अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए देश में आज एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को समान अवसर उपलब्ध है। लोकतंत्र का सही मतलब सबको समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा, जब तक सभी को समान अवसर नहीं मिलते तब तक प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। देश में सभी के लिए समान कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें आपको न्याय के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस समय हमारे देश में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने न्याय चाहने वालों के लिए न्यायिक व्यवस्था तक उनकी पहुंच को आसान बनाया है। आपको बता दें, इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश एवं हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश उप कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद, जस्टिस डी रघुराम, पूर्व निदेशक रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के प्रवक्ता, विश्वविद्यालय के छात्र तथा अन्य कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए जनहित टाइम्स।